नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हिस्ट्री के इस सेशन में बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आशा करता हूँ कि लास्ट सेशन आपने देख लिया होगा, कल वाला सेशन जो मैंने स्टार्ट किया था वो आपने देखा होगा, और कल हमने प्रागैतिहासिक काल पे बात किया था। प्रणाम राहुल कुमार जी। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग आए वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दें एक बार। अश्मिता वर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, ऑल्सो गुड इवनिंग। ओके, सो बेसिकली कल हमने प्रागैतिहासिक काल देखा था, और प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड मैंने जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो आप तक डिलीवर करने की कोशिश किया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे फैक्ट को क्लास में डिस्कशन करना उतना पॉसिबल है नहीं, बट हाँ, सारे फैक्ट आप तक पहुँचेंगे। वो कैसे पहुँचेंगे ये मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम चीज़ें हम क्लास में आपसे डिस्कशन कर लेंगे, इसके साथ ही में मैक्सिमम जो बचेगा वो हम आपको जब हमारा नोट्स मिलेगा आपको, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। नोट्स को जब पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अगर कहीं हमें लगता है कि बाई दबे नोट्स से मिस हो गई हैं या उधर इधर उधर से भी हमें मिलती हैं, तो हम उसे जब रिवीजन क्लास लेंगे तो कवर करा देंगे। इवन जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप इतना समझिए कि क्लास लेक्चर, पीडीएफ नोट्स मटेरियल जो परीक्षा प्लस टीम्स के थ्रू आपको मिलने वाली है, रिवीजन क्लास, एमसीक्यूज जब हम करेंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है शिवानी जी, ऑल्सो नमस्ते। ठीक, बेसिकली तो हमारी कोशिश यही होगी कि मैं इन चार पांच माध्यम से आप तक वो डेटा डिलीवर कर दूं। ठीक है, कोशिश करता हूं कि आपने कल की क्लासेज अटेंड की होंगी, और अगर आपने लाइव नहीं भी देखा तो बाद में आपने रिकॉर्ड होने के बाद में ज़रूर देखा होगा। कल के क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, क्लास कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं। सो बिना देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और कल हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक है ऐतिहासिक और एक है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब आप देखेंगे तो जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं कुछ ऐसे, जब आप लिखते हैं तो आप प्राग ऐतिहासिक को ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। फिर जब आप इसको अलग करते हैं, ठीक, तो आप देखते हैं कि आपका निकल के आता है प्राग प्लस ऐतिहासिक। मतलब जो आपका प्रागैतिहासिक है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है आपका प्राक और एक है ऐतिहासिक। ये मत सोचिए कि सर हिंदी पढ़ाने लगे हैं, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्राक का मतलब होता है और ऐतिहासिक, दो वर्ड हैं आपके सामने, मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ। प्रागैतिहासिक का मतलब है कि जो चीज़ें ऑलरेडी जनश्रुतियों के आधार पर हमें मिलती हैं, जिनका एक सही डेटा नहीं है हमारे पास, और ना ही उनकी लिपियों को हम जान सके हैं, पढ़ सके हैं, और उनके द्वारा जो चीज़ें हमें साक्ष्य के तौर पर मिलती है उसी के आधार पर हम चीज़ों की गणना करते हैं, ये प्रागैतिहासिक है। और ऐतिहासिक का मतलब है कि जब से हमें उनकी कुछ लिपियाँ मिलने लगती हैं, देखते हैं तो कुछ उनके द्वारा लिपियों के साथ साथ में हमें उनके और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे उनके दैनिक जीवन की वस्तुएं हमें मिलने लगती हैं, इसी के साथ में हमें उनके कुछ ऐतिहासिक या उनके कुछ धार्मिक सांस्कृतिक सुधार हमें नजर आ जाते हैं, जो डेली रूटीन पे वो यूज करते थे वो हमें मिल जाते हैं। सो इन्हें बेसिकली हम ऐतिहासिक पे देखते हैं, और प्रागैतिहासिक का मतलब जो उससे भी एंशियंट में चलते हैं उन्हें हम प्रागैतिहासिक बोलते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हैं। तो प्रागैतिहासिक में बेसिकली आपका पाषाण काल आता है, और पाषाण काल हमने कल ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, ताम्रपाषाण भी हमने देख लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता की। ठीक, सो बेसिकली सिंधु सभ्यता की जब मैं बात करने वाला हूँ तो एक चीज़ें आपको मैं बता दूँ सिंधु सभ्यता में, कि बेसिकली हम सिंधु सभ्यता में कैसे पढ़ेंगे। देखिए,
सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हमारा पढ़ने हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? ऑलरेडी मैंने कल एक फ्लो चार्ट बना दिया था, फिर हमने कहा था कि इसी सीक्वेंस में हम डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली सिंधु सभ्यता आज और कल, ये दो सेशन में हम सिंधु सभ्यता देखने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा एक बार हम नजर डालते हैं सिंधु सभ्यता के। तो पहले हम नामकरण पे बात करेंगे कि आखिर इनका नामकरण कैसे किया गया, सिंधु सभ्यता क्यों कही गई, हड़प्पा क्या चीज था, हड़प्पा के साथी में देखेंगे तो मेसोपोटामिया क्या था, मेसोपोटामिया के साथी में आप देखते हैं लोथल, कालीबंगा, चुनहुदड़ो, दैमाबाद, ये सारे जो स्थल हैं इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले तो हम इनके नामकरण की बात कर लेंगे। जब हमारा नामकरण निकल के आएगा तो हम देखेंगे कि इनका काल विभाजन कैसे होता है। बेसिकली काल विभाजन को लेकर के आप देखेंगे तो कोई ऑथेंटिक नहीं माना जाता, फिर भी हम एक अपने गणना के लिए, अपनी सुविधा के लिए इनका काल विभाजन करते हैं। लेकिन काल विभाजन से यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें सीधा एक सिस्टमैटिक वे में चला है। अगर आप पाषाण देखेंगे तो हमने पाषाण को बांटा था कि जब आप देख रहे थे पाषाण काल में, तो हमने निम्न पाषाण, पूरा उत्तर पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण में बांटा, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण में हमने बांट के उन चीज़ों को देखने की कोशिश की थी। ठीक, तो एक तो हम सबसे पहले इनका नामकरण देखेंगे, नामकरण के बाद इसका विस्तार देखेंगे कि अगर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कहां से कहां तक थी, क्या छोटे से स्थान पर थी, बड़े से स्थान पर थी, या बहुत बड़े स्थान पे थी, या पूरे विश्व में खाली सिंधु घाटी सभ्यताएं ही चल रही थी। तो हम सबसे पहले नामकरण देखेंगे और इनका विस्तार जानने की कोशिश करेंगे। विस्तार जानने के बाद देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहने आए वो कौन थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये द्रविड़ थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो आर्य लोग थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये दास और दासत्व से ग्रसित लोग थे। तो इनके जो निर्माता थे, इनके निर्माता को लेकर के क्या क्या हमारे यहाँ पर डिस्कशन चला है और किसने क्या कहा है, उस पर हमारी एक नज़र होनी चाहिए। ठीक, हम इन चीज़ों जब बात कर लेंगे, नामकरण, विस्तार और निर्माता की, तो इस चीज़ों के बाद फिर हमारा जो आता है, हम जिस पे बात करेंगे चौथे नंबर पर, हम बात करेंगे यहाँ के नगर नियोजन की। यहाँ का नगर नियोजन भाई कैसा था, जो लोग रहते थे उनके मकान कैसे हुआ करते थे, सड़कें कैसी थी, नालियाँ कैसे थे, उसके बाद में क्या शहर कैसे था, शहर में कौन से लोग रहते थे, क्या अमीर और गरीब या अभिजात और निम्न वर्गों में भेदभाव होता था, कैसे क्या चीज़ें घटना हो रही थी, इन चीज़ों को हम नगर नियोजन के बारे में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा अपने समकालीन जितनी भी संस्कृतियाँ रही हैं या सभ्यताएं रहे हैं उनमें सबसे बेहतर रही है, ये आपको भी पता है। और उनके समकक्ष अगर आप देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है, दजला फारात है, मिश्र की सभ्यता रही है, तो ये सारी सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं चल रही थी। और उन सभ्यताओं में सबसे बेहतर डेवलप सभ्यता माना गया है सिंधु सभ्यता को। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नगर नियोजन पे जब हम बात कर लेंगे, तो नगर नियोजन के बाद में क्या भाई यहाँ पे कोई राजनीतिक व्यवस्था थी या नहीं, राजनीतिक व्यवस्था पे हम बात करेंगे। तो एक पहले तो हम देखेंगे यहाँ की नगरीय व्यवस्था, और नगरीय के बाद यहाँ की जो राजनैतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था हम देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था हम देख लेंगे। राजनीतिक के बाद में फिर हम यहाँ पे सामाजिक, और सामाजिक के साथ ही सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक के साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे सामाजिक, फिर धार्मिक, और धार्मिक के साथ ही में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्थिक व्यवस्था, कि हाकिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो छोटे छोटे शहर थे उनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी आर्थिक, जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक, सो हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारा बात करेंगे वो हम इनके नामकरण पे बात करेंगे, इनके विस्तार पे बात करेंगे, विस्तार के साथ ही मैं बात करूं तो
तो हम इनके निर्माताओं पे बात करेंगे, नगर नियोजन, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था पे हम इनसे एक बार बात कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख स्थल। अगर मैं प्रमुख स्थल की बात करूं तो ये कौन से प्रमुख स्थल हैं, जो प्रमुख स्थलों में मैं बात करूंगा आपसे, तो प्रमुख स्थलों में हम इसी के साथ देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे हड़प्पा आपने सुना ही है, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतला, ठीक, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, सुरकोतला हो गया। इसी के बाद आप देखेंगे तो दैमाबाद है, मांडा है जो सबसे ऊपर है, आलमगीरपुर है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। मैं लिख देता हूं रंगपुर, आलमगीरपुर, दैमाबाद और मंडा, ठीक। चीजें यहां तक क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूं कि चीजें यहां तक आपको क्लियर होंगी, ठीक। सो इन सारे चीजों पे बेसिकली हमारी नजर होगी, ये कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतरा, रंगपुर, आलमगीरपुर, दैमाबाद और मांडा। और भी स्थल हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बस जितना मैंने लिख दिया इतने ही स्थल हैं, अगर आपको कुछ याद आ जाए तो आप कहें नहीं सर ने तो बताया ही नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है। ये कुछ स्थल हैं, हमारी नजर इन स्थल पर भी होगी और जब हम देखेंगे प्रमुख स्थल तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतरा, रंगपुर, आलमगीर, दैमाबाद और मांडा। बेसिकली जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि सोने के मटके, सोने के जो मतलब मिट्टी के मृदभांड है वो कहाँ से मिले हैं, भूस चावल धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, उसके साथ ही आप देखेंगे तो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर नगर नियोजन सबसे बेहतर स्थिति पे था, ऐसा भी कोई स्थल था जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, वो कौन से स्थल थे जहाँ पे सबसे पहले कपास खेती पाई गई है, उपज किया गया है, घोड़े की नाल कहाँ से मिली है, मृदभांड कहाँ से मिले हैं, नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, आदि शिव की जो एक शिवलिंग आप दे, आदि शिव की जो एक मूर्ति बैठे हुए दिखाई गई है, त्रिपाल डाले हुए जोगी की, वो कहाँ से मिली है, ठीक, जो मातृ देवी की उपासना की जा रही थी वो कहाँ से मिली है। तो इन सारी चीजों पे भी हम देखेंगे कि इन सारी चीजों पे कहां से कौन सी वस्तुएं मिली हैं और कहां से उनका क्या लिंक है और हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और अभी तक क्या पूछा गया है, तो इन सारी चीजों पे एक बार हमारी नजर होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इन चीजों को बता दिया है आपको कि इन चीजों पे हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आपको। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कि यहां पे किसी को क्या कोई समस्या तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि चीजें यहां तक तो क्लियर होंगी, ठीक। ये इमेज बहुत देर से आप देख रहे होंगे, बेसिकली ये इमेज है क्या, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी एक इमेज है। मतलब इस इमेज में ये बताया जाने की कोशिश की है कि कहां पे कौन कौन से स्थान हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये आपका सुरकोतड़ा है, ये है आपका सुरकोतड़ा है, ठीक। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मेहरगढ़ है, ठीक। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहीं पे ये यहां से मुझे तो तक क्लियर नहीं है दिख रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक। उसके बाद में बनवाल आप देखते हैं यहाँ पे, राखीगढ़ी आप यहाँ पे देखते हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे इस तरफ तो इस वाले हिस्से में, अगर और आप थोड़ा सा आएंगे मतलब पश्चिम साइड में इस वाले लोकेशन पे, एक लोकेशन ये है,
और इसी के साथ में एक लोकेशन आपका ये है, ठीक, दो लोकेशन, और एक आपका उत्तर प्रदेश का ये वाला लोकेशन, ये वाला लोकेशन, और एक आपका ये जम्मू कश्मीर में मादा वाला लोकेशन, ठीक। सो बेसिकली जो ये लोकेशंस हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? मैं भी देख लूँ, क्या दिख रहे हैं आपको? अच्छा, प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, चलिए एक बार मैं कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ा क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक। सो बेसिकली जो ये वाला इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में मैंने आपको बताया है कि जो ये वाला इमेज है, ये आपका यहाँ पे है सुर सुत सुत का गेंडोर, ठीक। ये आपका है दैमाबाद, ये है आपका आलमगीरपुर, मैं पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, आलमगीरपुर, और जम्मू कश्मीर में आपका हिस्सा आपका है मांडा, ठीक। इसे मांडा बोलते हैं बेसिकली। ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपका यूपी में है, और ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये आपका बलूचिस्तान वाले हिस्से पे है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चीजें यहाँ आपको और बेहतर नजर आएंगी, जैसे कि मैं तो देख सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप और बेहतर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो कुछ प्रमुख साइट्स हैं, ये हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा काल के समय के जो प्रमुख स्वरूप या पुरास्थल हैं, उनके बारे में ये इमेज आपको बेहतर राय दे सकता है। अच्छा, अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है? ये इमेज आपको क्लियर दिख रही होगी? मैं देख सकता हूँ, ये आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है प्रॉपर, ये आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। इवन मैं बोल देता हूँ, ये वाला हिस्सा है आपका, ये है सुरकोतड़ा, सुतका गेंड, सॉरी सुतका, और यहां पे अगर आप देखेंगे लोथल के जस्ट नीचे, ठीक है, यहां पे तो, अच्छा मैं साफ लिख देता हूं, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक। ये वाला हिस्सा है आपका लोथल, ये लोथल है, आप रोशनी देख देंगे। ये है आपका धौलावीर, क्या है ये? है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है धौलावीर, ये है सुर कोतड़ा, मैं यहां पे लिख देता हूं सुर कोतड़ा, और ये है सुतका गिंडोर, ये है बलूचिस्तान में, ठीक, बलूचिस्तान में ये है। इसी के बाद आप देखेंगे तो ये है आपका मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो के साथ आप देखेंगे तो ये है आपका हड़प्पा। और बेसिकली अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो यहां से आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपकी सिंधु नदी है, और ये चेनाब नदी है, ये आपका सतलज नदी है, और इसी के साथ आप देखते हैं तो ये सिंधु वाली सारी नदियां आके ऐसे यहां पे गिरती हैं, ठीक। अभी देखिएगा, अभी तो पेन सही दिख रहा है ना, मैंने तो रेड कर दिया भाई, रेड कर दिया, ब्लू कर दिया, अभी तो क्लियर दिख रहा होगा ना भाई? रेड नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा मैं भी देख लेता हूं, वन सेकेंड, शिवानी जी क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, अभी
अभी तो क्लियर दिख रहा होगा ना, ऑलरेडी मैंने पेन तो चेंज कर दिया है। अच्छा मैं कोई और पेन ले लेता हूँ, चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ और पेन ले लेता हूँ, मैं ये पेन ले लेता हूँ, अभी आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। सो आप एक चीज देखिएगा जो मैं सीमेंट से बताना चाहता हूँ कि सिंधु नदी से दाएं तरफ देखिए, दाएं और बाएं कैसे होता है, जैसे अगर कोई नदी चल रही है तो आप नदी की धारा की दिशा पे खुद रखिए, और जो आपकी दाएं से होगी वो नदी की भी दाएं होगी, और जो आपका बाएं से होगा वो बेसिकली जो आपका दाएं से होगा वो नदी की दाया होगा, और जो आपका बाएं से होगा वो नदी का बाया होगा। तो आप देखेंगे तो सिंधु नदी ऐसे आके यहाँ पे गिर रही है, मतलब हड़प्पा सिंधु नदी के दाएं साइड सॉरी बाएं साइड में है, और आप देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं साइड में है, ठीक ठीक है। तो दो चीजें आप देखिएगा कि अगर मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूं, ये है रावी नदी, मैं यहां पे चल लिख देता हूं, ये है आपकी रावी नदी, ये है आपकी चेनाब नदी, ठीक, और ये है आपकी सतलज नदी, ठीक। और इसी के साथ में आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा आपका बाएं साइड पे है, और जो आपका मोहनजोदाड़ो है ये आपका दाएं साइड पे है, किसके, सिंधु नदी के, ठीक। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले कि किस तरफ है तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है रोपण, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीरपुर। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वाले हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा मैं यूं कर दे रहा हूं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये मांडा है, और एक हिस्सा यहाँ पे जस्ट साउथ में मैंने आपको अभी नीचे दिखाया था कि जो साउथ वाला हिस्सा है ये कौन सा है, दैमाबाद है, ठीक। ये कौन सा हिस्सा है, ये है आपका दैमाबाद। अभी देखिएगा मैं एक पेन चेंज करता हूँ, शायद वो पेन भी आपको सही दिखे, उम्मीद करता हूं कि ब्लैक ब्लैक चल जाएगा, ठीक। जो मैं दिखाना चाहता हूं वो देखिएगा, यहां से एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ये, एक लाइन आप ऐसे मांडा पे मारिए, यहां से ऐसे हो गया, दो लाइन आपको दिख रही है ना, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और इसको आप मिला के आप ऐसे कर दीजिए। बेसिकली आप देखेंगे तो मैंने इसको यहां दिखाया है, बट ये जस्ट इस साइड में है, यहां पे, मतलब इसी के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में पड़ता है, मैंने तो जस्ट समुद्र तट पे दिखाया है। दरअसल इसको आप यहां करने के बजाय आप ये वाला हिस्सा कर दीजिए, ये वाला हिस्सा, तो आप देखेंगे बेसिकली ये वाला बेसिकली एक सीधी रेखा में आती है, और ये वाला सीधा आपको ऐसे नजर आता है, ठीक। मैंने आपको बताया कि ये है आपका सुतका गेंडोर, ये है आपका मांडा, ये कहाँ है, ये बलूचिस्तान में हिस्सा है, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में हिस्सा है, ये कहाँ पर है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में हिस्सा है मांडा। इसके बाद में आप देखेंगे मांडा इसको बोलते हैं, अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिए। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। मतलब एक चीज कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया मैंने यहां से बताया है, इसकी आकृति कैसी है, लगभग त्रिभुजाकार है। अगर लिटरली आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, वर्गाकार दे दे या चतुर्भुज के आकार में दे दे, रेक्टेंगुलर या सर्कल के आकार में दे दे, ट्रायंगुलर दे दे, ट्रायंगल दे दे, तो आपको ये चीज जानना होगा कि भूल भी जाइए तो आपको पता होगा कि पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का जो लास्ट पॉइंट है वो कैसे है इसका। मैंने आपको इन्हें बताने की कोशिश की है। इसी के साथ में अगर मैं एक बार पूरा रफ कर दूं, मैं एक बार पूरा रफ कर रहा हूं जिससे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स और दिखा सकूं। उम्मीद करता हूं कि चीजें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी देखिएगा, ये आपने ये देखा, फिर उसके बाद में ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान वाला हिस्सा पूरा हिस्सा है, ये लास्ट हिस्सा बालाकोट आप यहां पे देखेंगे, धौलावीरा जो आप देखते हैं, चुनहुरदुलो देखते हैं, कोटजी देखते हैं, उसके बाद में आप ये यमुना नदी का ये वाला हिस्सा इधर से निकलते हैं। एक चीजें मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया, मैं एक बार इसको थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ब्लू दिख जाएगा, ये वाला हिस्सा देखिएगा, और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा,
जब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे हिस्सा है, तो एक चीज आप ध्यान, आपके ध्यान में आपका ध्यान गया या नहीं गया मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि इनकी साथ में जो नदियां हैं, ये वाला पूरा आपका कौन सी नदी है, ये आपकी पूरी सिंधु नदी है। यहां आप देखेंगे तो लास्ट नदी इसका नर्मदा नदी के नीचे अगर आप देखेंगे, मैं आपसे बात करूं तो आपका प्रवरा नदी महाराष्ट्र में है। मतलब प्रवरा ये कौन सा है, हिंडन नदी। और यहां पे अगर मैं बात करूं सुरकोतड़ा की, तो यहां पे आपकी है दास नदी, ठीक। और इसी के साथ ही मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में जो मांडा वाला हिस्सा है, ये कौन सा, मैंने आपको दिखाया था अभी, चेनाब नदी। मतलब ये एरिया उन्हीं में सीमित होके रह गए हैं जहां पे पानी की जो मतलब पहुंच है, उपलब्धता है, बहुत ही बेहतर है। मतलब आप चेनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी और इधर दास नदी को अगर देखेंगे तो बेसिकली यही वो हिस्सा है जहां पे यहाँ के लोगों के लिए जल की उपलब्धता सबसे बेहतर मानी गई है। और आप देखेंगे तो आज भी जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, जो यहाँ के दोआब वाले क्षेत्र हैं, बेसिकली ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं। और यही रीजन है कि सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं क्षेत्रों में सिमट के रह गई थी। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान जानिएगा। इसी के साथ में एक चीज और आप जानेंगे कि ये सारे जितने भी हिस्से हैं, इन हिस्सों में जो कृषि भूमि है वो भी बहुत बेहतर रही है। यही आप देखेंगे कि हड़प्पा में जो अन्नागार मिले हैं, अन्नागार मिलने का एक मतलब निकलता है कि मतलब यहाँ जो उत्पादन था वो आधिक्य में था। मतलब ये अनाज को लेके ये आयातक नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं ये निर्यातक थे। और अगर निर्यातक थे तो दो चीजें समझ में आती हैं कि क्या इनका जो व्यापार था वो आंतरिक था या बाह्य था। अगर आंतरिक व्यापार था तो इसका मतलब है कि इनके जितने भी एक दूसरे के मतलब आपसी क्षेत्र हैं, इन सब में एक दूसरे के साक्ष्य मिलने चाहिए। मतलब अगर कोई चीज हमारे यहाँ उत्पन्न हो रहा है और हमने बाहर भेजा है या निर्यात किया है तो उसके साक्ष्य वहां से भी मिलेंगे। तो दो चीजें यहाँ भी आप समझिएगा कि अगर कपास कहीं से मिला है या लाल रंग का कपड़ा कहीं से मिला है, तो दो चीजें निकल के आती हैं कि क्या ये लोग लाल रंग से वाकिफ थे, और अगर नहीं तो मतलब कहीं बाहर से आया है, और बाहर का मतलब कि इनका व्यापार होता था आंतरिक या बाह्य। और अगर बाह्य व्यापार होता था तो सीधी सी बात है कि इनके यहाँ जो कि क्या कहते हैं समुद्र मार्ग था, इन्हें समुद्र मार्ग की भी जानकारी थी या स्थल मार्ग से ये अपना व्यापार करते थे, ठीक। तो ये दोनों चीजें निकल के आई। लेकिन एक चीज ध्यान ये भी जाता है कि अगर आंतरिक व्यापार होता तो साफ सफाई करने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए धारदार हथियार चाहिए थे। लेकिन आप हड़प्पा देखते हैं तो हड़प्पा कांस्य युगीन है, मतलब अभी यहाँ कांसे का निर्माण किया गया है। मतलब तांबा इससे पहले आता है और तांबे में टीन को मिला के कांसा बनाया गया है। और कांसा अगर आप देखेंगे तो कुछ साक्ष्य ऐसे कांसे के मिले हैं जो मूर्तियां भी बनाई गई हैं, और मूर्तियों के साथ में व्यापक स्तर पर सिक्के भी देखे जाते हैं। तो एक साक्ष्य नजर आता है कि हाँ, ये लोग कांसे का निर्माण करते थे और इनकी तकनीकी बेहतर थी। कि रीजन है कि कांसा बनाने के लिए एक अनुपात की जरूरत है कि तांबा कितना होना चाहिए, और तांबे के साथ में अगर आप देखेंगे तो इनको मिलाने के कांसा जो मेटल बना है वो कितनी अच्छे टेक्नोलॉजी के आधारित ये कांसे का डेवलप कर रहे हैं। तो कांसा उतना धारदार हथियार नहीं है, धारदार हथियार के लिए जरूरत थी लोहे की, और लोहा आपको आगे मिलता है। तो मतलब कि अभी बहुत बेहतर व्यापार के स्तर पर ये नहीं पहुंच पाए हैं। और आप देखेंगे कि अगर लोहा नहीं है तो जो ये फसल की कटाई करते हैं, फसल की कटाई में आप देखेंगे तो कहीं कहीं कांसे के हथियार आपको मिलेंगे या पत्थर की हंसिया आपको मिलेगी। तो ये कहां से मिलेंगे, जब हम बात करेंगे प्रमुख स्थल पर तो वो चीजें हम वहां पर आपसे डिस्कशन कर लेंगे। तो इतना मैं समझ सकता हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आज का सेशन
सेक्शन में स्टार्ट करता हूं और कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं जो आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, उन चीजों पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। साथ ही आप देखेंगे तो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये आप देखेंगे तो सिंधु के समकालीन सभ्यता है। बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक नोट डाउन कर दिया जिससे कि आप इजिली समझ सकें। साथ ही अगर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु नदी नाम दिया था। ठीक, क्योंकि सिंधु नदी के आपने देखा ना कि दाएं और बाएं दोनों तटों पे इनके प्रमुख स्थल मिले हैं और उन्हीं स्थलों के आसपास की ये घटनाएं थी, इसीलिए जॉन मार्शल साहब ने इनको सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया। ठीक, आप देखेंगे कि जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1921 में दयाराम शाहिनी ने रावी नदी के तट पर आप देखेंगे तो हड़प्पा, मतलब दाएं तट पे, बाएं तट पे हड़प्पा और दाएं तट पे आप देखेंगे तो आरडी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की है, जो मैंने अभी मैप में इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? करिंघम को माना जाता है और ये 2018 या 17 के पीसीएस में भी आप देखेंगे तो पूछा गया है, शायद 18 या 19 वाले में पूछा गया है कि भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की अगर मैं भी बात कर रहा था कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो उनके निर्माताओं में अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों ने कहा है कि आर्य थे, कुछ ने कहा है कि ये आर्य नहीं है सुमेरियन थे, कुछ ने द्रविड़ कहा है और कुछ ने दास या दास कहा है। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी ने आर्य बताया है, सुमेरियन आप देखेंगे तो गार्डन चाइल्ड ने बताया है और राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ और हुईलर साहब ने अगर देखेंगे तो दास या दास के रूप में इनकी चर्चा की। ठीक, तो ये चीजें फैक्ट के तौर पर हैं जो आपको जानना चाहिए, यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है नहीं था तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। इस इमेज का भी कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इतनी देर से कि सिंधु जो आपकी सिंधु सभ्यता है इसकी जो बेसिकली आप देखेंगे कि एरिया क्या है, कहां से कहां तक क्षेत्र फैला है, पूछ लिया जाए कभी भी आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए साहब पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर है। ठीक, पश्चिमी पूछ लिया जाए तो पश्चिमी आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी आपका सुदका गेंडोर है और अगर उत्तर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का मांडा जिला है और अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का दैमाबाद है। ठीक, मैं आपको नदी बता चुका हूं, दास नदी, प्रवरा नदी, हिंडन नदी और आपका चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, महाराष्ट्र और यूपी का मेरठ। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा एरिया इनके लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट से भी कमीशन आपके साथ खेल देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है, उत्तरी और दक्षिणी तट क्या है। देखिए, आपका अगर मैं पेपर की बात करूं तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था कि बेसिकली हमारा जो आज का हिस्सा होगा, हम एक एक टॉपिक पे पहले बात करेंगे और उसमें हमने कहा था कि हम नगर नियोजन पे बात करेंगे सबसे पहले। और नगर नियोजन की अगर मैं बात करूं तो जो चीजें लिखा है मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही, बेसिकली कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता सामान्यतः नगर नियोजन दो वर्गों में बटा सभ्यता था। ठीक, एक था उच्च वर्ग, एक था निम्न वर्ग। ठीक, दो चीजें थी। और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि सिंधु सभ्यता सबसे बेहतर तौर पे जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है अपनी नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था। जल निकास व्यवस्था तो आप देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से कहीं ज्यादा बेहतर हड़प्पा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की तो सिंधु सभ्यता के पैरलर और भी सभ्यताएं मिस्र में चल रही थी। मिस्र की सभ्यता थी दजला फारात, उसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी। ये दो सभ्यताएं जो थी वो सिंधु के पैरलर थी, लेकिन जितना बेहतर आप देखेंगे नगर नियोजन और जल निकासी के
आपको साक्ष्य मिलते हैं वो अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं मिले हैं। रीजन है कि जो नगर नियोजन था सिंधु सभ्यता में, ये बेसिकली ग्रिड पैटर्न पे था। किस पैटर्न पे था? ग्रिड पैटर्न पे था। और ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि ये रोड जाएगी, फिर ये रोड जाएगी, फिर ये रोड जाएगी, और फिर ये रोड जाएगी। मतलब कुछ इस तरीके से सड़कें जाएंगी और फिर इनको इस तरीके से क्रॉस किया जाएगा। ठीक, ये है ग्रिड पैटर्न। ठीक, क्या है ये ग्रिड पैटर्न? है ये इनका मेन, ये इनके मेन मार्ग होते थे। ठीक, ये चीजें, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो इनके मुख्य सड़क हुआ करते थे, बेसिकली मुख्य सड़क इनके नॉर्थ टू साउथ हुआ करते थे, यानी ये वाला इनका मुख्य सड़क हुआ करता था और जो बीच वाले लाइनें हैं ये इनके सहायक मार्ग हुआ करते थे। और जो मकान बनते थे, बेसिकली मकान ऐसे बनते थे, ऐसे, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर ये सड़कें हैं तो सड़कों के जस्ट किनारे पे ऐसे खुलते थे, फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे। मतलब आप देखेंगे दो चीजें कि यहाँ जो इनका नगर नियोजन है ये ग्रिड पैटर्न पे है, पहली चीज। और दूसरी चीज आप देखेंगे तो जो सड़कें हैं इनकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं। ठीक, तो ये जो तकनीकी थी मतलब सिंधु सभ्यता की, ये बहुत बेहतर मानी जाती है, अपने सभी तत्कालीन सभ्यताओं में एक मानी जाती है। ठीक, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं कि कैसे क्या चीजें घटित हो रही हैं। ठीक है, तो नगर नियोजन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो इनका नगर नियोजन जो कि ग्रिड पैटर्न पे था, और इसी के साथ आप देखेंगे तो ग्रिड पैटर्न के साथ इनके जल निकासी की जो प्रणाली थी वो बहुत बेहतर थी। आप देखेंगे तो इनकी जल निकासी नालियां घर के मेन गेट से निकलती थी और सारे नालियों पे मतलब जो पत्थर होते थे वो ढके होते थे, सामान्यतः जितनी नालियां हैं वो ढकी होती थी, सड़कों से हल्का नीचे हुआ करती थी, जिससे कि अगर सपोज दैट कभी बाढ़ की स्थिति आए या जल जमाव की स्थिति हो तो नालियों के माध्यम से वो जल आराम से निकल जाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलने पाए। ठीक, आप देखेंगे तो मैंने बताया कि दो जो आपका नगर नियोजन है बेसिकली ये दो भागों में बटा था, पूरब और पश्चिमी भाग। ठीक, दो जो आपका पूर्वी था वो आवासीय क्षेत्र माना जाता था और जो आपका पश्चिमी टीला था ये दुर्ग या अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जहां से यहाँ की सत्ता का संचालन किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे तो लोथल और सुरकोतड़ा में दो स्थल है जहां पे नगर दुर्ग केवल एक ही रक्षा प्राचीर से आपको घेरे मिलती है। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। ठीक, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक ये मकान है और एक ये दुर्ग है, तो बेसिकली ये दोनों कुछ इसी तरीके से आप देखेंगे तो घिरे हुए थे। ठीक, नगर की जो किले बंदी की यो अर्थ है कि जिसका उद्देश्य जानवरों या पशुओं से सुरक्षा और लुटेरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। बेसिकली हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे तो यहाँ पे युद्ध या बाह्य आक्रमण के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाषाण युग में कि जब मैं आपको मध्य पाषाण पढ़ा रहा था तो मध्य पाषाण में मैंने एक स्थल बताया था प्रतापगढ़ का नराय साहर, मतलब नाहर राय, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय में एक समाधान ऐसा मिला था जहां पे उसके सीने में तीर लगी थी, मतलब उसका आगे वाला हिस्सा लगा था, तो इसलिए लोग कहते हैं कि शायद युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसी घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो इसीलिए जो किला बंदी घेरा किया गया था वो लुटेरों से, जानवरों से, पर इन सारे लोगों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जो यहाँ की सड़कें थी, सड़क एवं गलियां निर्धारित योजना, मैंने बताया ग्रिड पैटर्न पे बनाए गए थे और मुख्य सड़क की ओर सारे रोड जाया करते थे और जो आपका मुख्य सड़क था ये उत्तर से दक्षिण की ओर होते थे। सड़कें आपकी समकोण पे काटती थी, मैंने बताया कि सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि कालीबंगा में जो सड़क और गलियां बनाई गई थी, ये समानुपात में बनाए गए थे। मतलब जितना स्पेस मेन रोड पे था, उतना ही स्पेस गलियों में भी दिया गया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि प्रवेश जो है ये पूर्वी सड़क से होता था, और जहां ये प्रथम सड़क पर मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है। सो बहुत लोग यहां पे ये कह देते हैं कि एक उत्सव मनाने का स्थल हुआ करता था, या बेसिकली यहाँ नाच गाना या जो सांस्कृतिक परंपरा के तौर पे मनाए जाते थे, मेले होते थे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देता है, और आप सर्कस देख के गलत कर देते हैं। सो अब इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सड़कें तो कच्ची मिट्टी की बनी है, लेकिन नाली निर्माण के लिए आप देखेंगे तो पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है, सुर्खी चूने का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे तो आप इसके साथ ही में मैंने आपको बताया कि जो नालियां हैं सबसे बेहतर इनका जल निकास है, जिसके लिए ये अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ की जो प्रणाली है, नालियां हैं, वो पक्की एवं पत्थर से ढकी बनाई गई हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सड़कें तो कच्चे मिट्टी के हैं, लेकिन नालियां पक्के पत्थर से बनाए गए हैं, और उनको ढक के भी प्रॉपर रखा गया है। ईंटों की मैं बात करूं तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के प्रमुख प्रकार से अगर देखेंगे तो पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक, हालांकि जब मैं हड़प्पा बताऊंगा, मोहनजोदाड़ो बताऊंगा, रंगपुर बताऊंगा, कोटडीजी बताऊंगा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा बताऊंगा, इन सारे जगहों पे जब मैं चर्चा करूंगा आपसे, तो इन सारे जगहों के आप देखेंगे कि मैं एक एक करके इनका भी प्रॉपर आपसे डिस्कशन करूंगा। जो ईंटें थी ये आयताकार ईंटें हुआ करती थी, कुछ इस शेप में। मैं बात करूं अगर आपसे तो ईंटें कुछ इस शेप में होती थी। ठीक है, कुछ ऐसे हुआ करती थी ये बेसिकली। मैं फिर से एक बार बना देता हूं। ऐसे, मतलब L 4:3, 2:1 में बेसिकली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हुआ करती थी। इस स्थान पे अगर आप देखेंगे तो कई जगह ऐसे पक्के ईंटों के साक्ष्य भी आपको नजर आते हैं। जो भवन था, बेसिकली आपका भवन तीन भागों में विभाजित था। एक आपका आवासीय भवन था, एक विशाल आपको भवन मिलते हैं, और कहीं कहीं पे आपको स्नानागार और अन्नागार के भी आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो फैक्ट चीजें हैं उन्हें भी आप साथ में देखते रहिए। और ये चीजें क्या है आपकी, अगर आप इन चीजों पे देखेंगे तो ये बेसिकली कुछ आपका नगर नियोजन का जो पैटर्न है, कुछ इस आधार पे नगर नियोजन आपको देखने को नजर आता है। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता पे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इन्हें देख सकते हैं कि बेसिकली जो ये हिस्सा है, आप देखेंगे कितने बेहतर तरीके से एक एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि किस तरीके से डाउन के साथ अप होते हुए चीजों को निकाला गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बेसिकली नगर नियोजन है कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ में जो हम बात करने वाले हैं, अब मैं बात करता हूँ यहाँ के आर्थिक जीवन की। मैंने नगरीय जीवन पे बात कर लिया, अब थोड़ा आर्थिक की बात हो जाए। भाई हम रह तो रहे हैं, लेकिन अगर रहना ही सिर्फ है, कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर जीवन का अस्तित्व बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, सो आर्थिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक जीवन में आप देखते हैं कि यहाँ जो प्रमुख है कृषि अधिशेष के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कई जगह से आप देखेंगे तो क्या मिले हैं, कई जगह से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, और कई जगह आप देखेंगे तो अन्न के भंडारण भी मिले हैं आपको। ठीक, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कृषि था वो काफी अच्छे लेवल पे था, और उपज अधिक के स्तर पर किया जाता था। साथ ही आप देखेंगे तो कृषि के साथ पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं,
तथा जो अर्थव्यवस्था थी ये आंतरिक व बाह्य व्यापार दोनों पर आधारित थी। ठीक, आप देखेंगे तो एक बंदरगाह भी मिलता है जिसे आप गोदी बोलते हैं, वो कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि अगर लोथल से मिल रहा है तो लोथल पे व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो हम कहते हैं इस आधार पर कि हाँ, अफगानिस्तान से भी साक्ष्य मिलते हैं, अलग अलग सभ्यताओं से भी कहीं ना कहीं व्यापार के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि कृषि में बेसिकली यहाँ पे गेहूं, जौ और प्रमुख फसल कहीं कहीं से आप देखेंगे तो इन्हें लकड़ी के हलों के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही आप देखेंगे कि फसल काटने के लिए पत्थर के हथियारों का, हसियों का प्रयोग किया गया है। मैंने आपसे बताया था कि मेरे दोस्त हथ काटने के लिए, अभी हमारे पास लोहे की जानकारी नहीं है, सिर्फ कांसे की है और कांसा इतना बेहतर नहीं माना जाता कि उससे किसी भी प्रकार की कटाई छटाई की जा सके। ठीक है, सो इन चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ से 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है, जिसमें से आपका चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और सरसों। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको जानकारी देगा। मैं बात करूँ हड़प्पा की, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा, तो इन सब से बड़े कोठारों का प्रयोग किया गया है, मतलब अनाज को रखने के लिए एक बृहद कक्ष का उपयोग किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संभवतः माना जाता है कि राजस्व के रूप में किसानों से अनाज लिया जाता था, मतलब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी आपको कर की जानकारी नहीं मिलती है। मतलब दो चीजें हैं कि यहाँ की जो सत्ता थी वो राजतंत्रात्मक थी या प्रजातंत्रात्मक, सॉरी यहाँ या लोकतंत्रात्मक थी। ठीक, तो इस चीजों के हमें प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले हैं क्योंकि ना तो टैक्सेशन की व्यवस्था है, और इसी के साथ में अगर आप सामाजिक की बात करेंगे, सामाजिक स्तर की, तो सामाजिक स्तर इनका इतना केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज था, चीज़ें इतनी बेहतर थी कि ये देखने से लगता है कि कोई तो एक ऐसी सत्ता रही होगी जो इन्हें ऊपर से ऑपरेट करती होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो उच्च कुलीन वर्ग या सामंती वर्ग रहे होंगे उन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाता रहा होगा, और जो किसान हैं वो स्वेच्छा से अपने अनाजों का कुछ हिस्सा राजस्व के रूप में देते रहे होंगे, लेकिन हमें इनके साक्ष्य नहीं मिलते। फिर भी ये माना जाता है कि संचालन करने के लिए कुछ तो एक केंद्रीकृत सत्ता रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, ये चीजें आप जानिएगा। और पशुपालन में सामान्यतः बैल, बकरी, भेड़ और सुअर का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे कुछ चीजें और देखते हैं कि कहीं पर आप देखेंगे तो कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति अंकित हो। ठीक है, इसके साथ ही आप देखेंगे तो कुबड़ वाले सांड की विशेष महत्ता दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे गाय के स्थान पे कुबड़ वाले सांड को महत्व दिया गया है, और जब हम सिंधु के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल देखेंगे, तो देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल बेसिकली एक तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और कुबड़ वाले सांड को कम इंपॉर्टेंस दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, वहीं आप जब आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आपकी पितृ सत्तात्मक सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आती है। तो हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन पे बात करेंगे, पहले हम इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं। गुजरात के जो निवासी थे इनके हाथी पालने के भी साक्ष्य मिलते हैं, और आप देखेंगे कि तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। कांसे के सिक्के मिलते हैं और बहुतायत मात्रा में कांसे के औजार भी आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तांबा राजस्थान से निकाला जाता था, टीन अफगानिस्तान से, और जो रत्न या आभूषण होते थे
वो दक्षिण भारत किसे मंगाया जाता था, मतलब इनका आंतरिक व्यापार बहुत ही बेहतर स्तर पर था। और कहीं कहीं पर कुम्हार के चाक के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा मोहनजोदारो से आप देखते हैं तो मृद भांडियों में बहुत ज्यादा स्तर पर बल्क मात्रा में मिट्टी के बर्तन भी आपको मिलते हैं, बैलगाड़ी आपको मिलते हैं और कुछ मूर्तियां भी आपको मिलती हैं देखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, व्यापार की मैं बात करूं कि व्यापार इनका कैसा था, तो व्यापार बेसिकली वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर किया जाता था। मतलब अभी तक इन्होंने जो सिक्के ढाले हैं उन सिक्कों के आधार पर अभी भी इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग नहीं किया गया है, अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर व्यापार चल रहा था। अगर मैं स्थानीय व्यापार की बात करूं तो स्थानीय व्यापार में आप देखेंगे अफगानिस्तान, ईरान तथा जलीय व्यापार के साथ आप देखेंगे तो मकरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप देखेंगे तो जो बहरीन द्वीप है, बहरीन इन दोनों देशों के बीच बिचौलिए का काम करता था। ठीक, तो इन चीज़ों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ की जो राजनैतिक व्यवस्था है सिंधु घाटी की, बेसिकली ये वणिक वर्गों के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी राजतंत्रात्मक की कोई भी साक्ष्य नहीं नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये कहना कहीं ना कहीं उचित लगता है कि भाई समाज को चलाने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक हर एक गतिविधियों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए कोई तो एक केंद्रीकृत सत्ता होगी जिसके थ्रू लोग ऑपरेट होते होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हर समाज में कुछ कुलीन वर्ग होते हैं, वणिक वर्ग होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद उन्हीं के द्वारा ही समाज का संचालन किया जाता रहा हो। ठीक है, तो उन्हीं को मानते कि शायद हो सकता है कि जो राज्य व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, ये वणिक वर्गों के हाथों में हो। ठीक, एक नजर थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था पे डाल लेते हैं। अगर मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो समाज की जो इकाई है वो परिवार के रूप में निकल कर आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले जब मैं नवपाषाण की बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि नवपाषाण से ही लोग कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। जब कृषि करना प्रारंभ करते हैं तो आग की खोज मध्य पाषाण में हो चुकी है, आपको पता है। जब आग की खोज हुई तो आग की खोज से लोग गुफा में रहने लगे, प्रकाश के लिए प्रयोग करने लगे, भोजन को पकाने लगे, जानवरों का शिकार उपार करते थे, मैंने बताया था चापर चाबी पेबुल के माध्यम से, तो उनको भून कर खाने लगे। तो जब गुफा में निवास करने लगे, आग की खोज हो गई, अनाज भी धीरे धीरे जंगली अनाज भी लाने लगे, और जाहिर सी बात है कि जब व्यक्ति के जीवन में अस्थायित्व आता है तो अस्थायित्व के साथ व्यक्ति शक्ति का केंद्रीकरण करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों पे भी अपना कब्जा जमाने लगता है। चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन हुई, जब नवपाषाण में आ पाए तो नवपाषाण में आपने देखा आग आ चुका था, अस्थायी निवास आ चुका था, कृषि आ चुका था, पशुपालन आ चुका था, पशुओं का उपयोग खेती के लिए किया जाने लगा। आप देखेंगे कि नवपाषाण में पहिए और चाक का, चक्के का भी प्रयोग किया जाने लगा, तो जिससे यातायात के भी साधन और बेहतर हो गए। पशुओं का प्रयोग जहाँ अभी मारकर खाने के लिए किया जा रहा था, अब देखते हैं कि यहाँ पशुओं का प्रयोग खेती के लिए किया जाने लगा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाने लगा है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली नज़र आता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो एक परिवार के रूप में डेवलप हो चुकी है। ठीक, यहाँ की सत्ता मात्र सत्तात्मक सत्ता थी और मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से हम कहते हैं कि जो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता रही है ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही है। यहाँ के जो नगर नियोजन है, दुर्ग हैं, मकानों की जो स्थापना की गई थी तथा स्वाधान से प्रतीत होता है कि समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। ठीक, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी, जुलाहे और श्रमिक, इन वर्गों में समाज का विभाजन देखने को मिलता है। साथ ही आप देखते हैं कि कहीं भी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कि ये
कम युद्ध कम प्रिय हुआ करते थे और शांति प्रिय ज्यादा हुआ करते थे। भोजन के तौर पे शाकाहारी व मांसाहारी दोनों की प्रवृत्तियां रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले व्यक्ति जो था वो मांसाहार पे ही डिपेंड रहा है। भोज्य पदार्थों में देखेंगे तो गेहूं है, जौ है, मटर है, तिल है, खजूर है और सरसों का भी प्रयोग किया गया है। और मांस के तौर पर गाय, बकरी, सुअर, घड़ियाल और मछलियों का भी प्रयोग अपने भोज्य पदार्थों के तौर पर किया गया है। थोड़ा सा और है आपके पास, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भाई सारी चीजें तो ठीक है, तो मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे? मनोरंजन कैसे होता था? तो मनोरंजन में पासे का खेल है, नृत्य है, शिकार है, पशुओं की लड़ाई भी होती थी और सामाजिक उत्सव मनाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सवाधान कैसे होते थे, अंतिम संस्कार कैसे होते हैं। तो सवाधान में पूर्ण सवाधान, आंशिक सवाधान और दाह संस्कार तीनों देखने को मिलते हैं। पूर्ण सवाधान का मतलब है जब बॉडी को दफना दिया जाता है अंततः। आंशिक सवाधान का मतलब है कि जब बॉडी को पहले खुले में छोड़ दिया जाता है, जब चील, कौवे, गिद्ध और सूक्ष्म जीव उनका पोषण अपना पोषण कर लेते हैं, तो जो हड्डियां कुछ बची कुछ ही होती हैं, अपनी धार्मिक संस्कृतियों के हिसाब से अगर जलाना है तो जला दिया जाता था और अगर दफनाना है तो दफना दिया जाता था। ये आंशिक समाधान के लक्षण माने जाते हैं। और दाह संस्कार भी पूरी तरीके से जला दिया जाता था। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये कुछ सिक्के हैं जो कांसे के ढाले जाते थे, और उन सिक्कों में आप देखेंगे तो कुछ देवी देवताओं के भी साक्ष्य आपको नजर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता और मातृसत्तात्मक सभ्यता के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है, और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम चीजों का आकलन करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली मैं बता रहा था कि आपको एक आदिस्यूत, ये आप देखेंगे तो ये कुछ सॉल डाले हुए एक व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, तो ये सॉल डाले हुए इन्हें दिखाया गया है। तो जो ये सॉल डाले हुए ऐसे ओढ़े हैं ना, ऐसे यूं तिरछा करके ओढ़ा जाता है, ऐसे तिरछा करके। और साथ में आप देखेंगे कि आगे पीछे कुछ पशु पक्षियों का भी उल्लेख है। तो ऐसा माना जाता है कि ये बेसिकली आदिस्यु के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। किसके रूप में? आदिशिव के रूप में ऐसा माना गया है कि ये आदिशिव हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर हैं। ऐसा माना गया क्योंकि आप देखते हैं तो इन ये भी एक योग के मुद्रा में आपको बैठे हुए नजर आते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप देखेंगे, नीचे लिखा भी है कि दाढ़ी वाले पुरुष पत्थर की बनी एक मूर्ति है और ऐसी हमारी संस्कृति और सभ्यता पे माने जाते हैं। बेसिकली इन सारी चीजों पे मैंने आपको बता दिया है। और इन पे अगर मैं एक बार फिर से मैं उस पेज पे जाऊं जिस पेज से मैंने शुरुआत किया था, इस पेज से मैंने आपकी शुरुआत स्टार्ट की थी। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया, इनका मैंने नामकरण बता दिया कि नामकरण इनका कैसे किया गया है, किस आधार पे कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो मैंने इनका विस्तार बता दिया आपको ऐसे वाला, इनके निर्माता कौन कौन से थे, किसने आर्य कहा है, किसने द्रविड़ियन कहा है, किसने सुमेरियन कहा है, इन चीज़ों पे बात कर दिया। इनकी नगर नियोजन कैसे रही है इस पे हमने चर्चा कर लिया है। राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था पे हमने बात कर लिया है। अब हमारा जो एक मुद्दा बच रहा है प्रमुख स्थल का, ये प्रमुख स्थल बेसिकली कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, आलमगीरपुर, दैमाबाद और मांडा। तो इन चीजों के जो प्रमुख प्रमुख स्थल हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो हम कल चर्चा करेंगे। सो आज का सेशन में अगर किसी को कोई डाउट है, सेशन कैसा लगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।